शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बधाई हो, कुछ ही देर में अंजलि की जिंदगी का अंत और तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। अब मौत को पल पल अपने करीब आते देख, ओम फट स्वाहा। पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा स्मरेत पुनरीकाक्ष सभाभ्यंतर है सुचि। उबर को बुलाइए। जी पंडित जी। उमा जी। अब मेरे और यश के बीच में कोई नहीं आ सकता। यश मेरा होगा, सिर्फ मेरा। जब तक ये काला धागा यश के हाथ में बंधा रहेगा, यश भैरवी देवी के वश में रहेगा और वो वही करेगा जो भैरवी देवी चाहेंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। हमें अजी और इच्छा की शादी होने से पहले घर पहुंचना होगा। आप दोनों वरमाला की विधि के लिए खड़े हो जाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। Thank you.
आगे की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। गठबंधन करा लीजिए। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं। खुशियों में आग लगाने बहू जी, ये गलत हो रहा है। ऋचा ने झूठ बोला है सबसे, वो सबको धोखा दे रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। एकदम चुप। एक शब्द भी मुझसे निकाला ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। लेकिन बहू जी, मेरे बच्चे कहाँ थे? तेरे बनाए हुए सिंदूर के निशान पर मैं पीछे गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं अपना होश खो बैठा, और जब होश में आया तो वहां कोई नहीं था। दादाजी, वो हर बार कोई ना कोई नया ड्रामा करने आ जाती है ये लड़की। आपको कितने सबूत दे चुकी हूँ, पर आपको अपनी सगी बेटी से ज्यादा इस नाजायज औलाद पर भरोसा है। भले ही आपको ऋचा की फिक्र हो या ना हो, पर मुझे है। मैं ऋचा की माँ हूँ। आज ऋचा की शादी है, और अगर आज ऋचा की खुशियों के बीच में कोई भी आया तो मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये आप जानते हैं। और हाँ, यश खुद अपनी मर्जी से ऋचा से शादी करना चाहता है। ये शादी दोनों की मर्जी से हो रही है, तो तू किस हक से चौधराइन बन रही है? तूने और यश ने दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, तो कानूनी तौर पे
तू उसकी पत्नी नहीं रही, तो तू होती कौन है ये शादी रुकवाने वाली? बात तो सही है बेटा, जब तुम दोनों ने तलाक दे दिया तो किस रिश्ते से रोकेगी ये? बेहतर यही होगा कि उसे भूल जा। बेटा अब तो जो है यश को भी आगे बढ़ने दे और तू भी अपने लिए रास्ता बना। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं लाला जी, यश जी को कैसे भूल सकते हैं हम? मेरी बेटी का आखिरी फेरा चल रहा है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती ना तब तक तेरा मनहूस साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए, समझी तू? आखिरी फेरे का बहुत ही गहरा महत्व है। इस फेरे के माध्यम से वधू वरसु वचन लेती है कि आज के बाद आप सभी पराई स्त्रियों को अपने माँ के समान समझेंगे और पति पत्नी के रिश्ते के बीच में किसी दूसरी स्त्री को नहीं आने देंगे। एक बार हमारी बात तो सुनिए। बस एक बार। पंडित जी आप फेरे करवाइए, हम इसे देखते हैं। बहुत मोटी जम रही है तुझे, हाँ? इतनी धमकियों का भी तुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। कहा था ना तेरा मनहूस साया भी नहीं पटा चाहिए रिचा पे। चुप कर पंडित जी, आप फेरे चालू रखिए। जी यश जी हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो? हमारे हाथ में कैसे है? कहीं कोई हमारे ऊपर काला जादू तो नहीं कर रहा है? यशी पर उस भैरवी देवी ने वशीकरण किया है। वो अपने होश में नहीं है, उनके साथ वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ था। यशी रुक जाइए। रहेगी या इसी वक्त तेरी बुद्धि बंद करूं? चल पागल लड़की की बातों में मत आओ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ओम तदैव लग्नम सदुनम तदैव।
देखा आप सब लोगों ने, ये सब उस काले धागे का असर था। उस भैरवी देवी ने यश जी को भी अपने वश में कर लिया, जैसे उसने हमें अपने वश में किया था। उसके वश में हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है, उस भैरवी देवी ने यश जी को वश में करके ही उन्हें शादी के लिए राजी किया है। झूठी कर्मजली, निकल यहां से। बस कीजिए बहुजी। बस हो रहा है। हम दोनों की शादी हो रही थी, बस आखिरी फेरा बचा है। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगे और हमारे होने वाले बच्चे को अपना नाम दोगे। झूठ, गिरिजा झूठ बोल रही है यश जी। माँ, बड़ी दादी, रिचा की कोख में ना कोई बच्चा है ना ही यश जी इसके गुनहगार। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। इस अंजलि की बातों पर विश्वास मत कीजिए आप लोग। यश, मैं सच में तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या मधु गर्भवती है? अरे आप लोग एक कुंवारी माँ का विवाह करवा रहे हैं? ये प्रभु, आज मेरे हाथों से एक महापाप होने से बच गया। आप लोग जानते हैं कि गर्भवती कन्या का विवाह कराने का क्या अर्थ होता है? महापाप होता है। यदि इसके गर्भ में कोई बेटी होगी तो बाप बेटी के फेरे हो जाएंगे और ये महापाप होगा जो हम नहीं होने देंगे। इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं पंडित जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। प्लीज मेरी यश से शादी करा दीजिए, प्लीज पंडित जी। अच्छा,
अच्छा हुआ, कम से कम तूने तेरा झूठ तो स्वीकार किया। ऐसे इतने दिनों में आज पहली बार इसने सच कहा है। अंजलि, तुम क्या कहना चाहती हो? ऋचा ने सबसे झूठ कहा कि वो प्रेग्नेंट है। ऋचा की कोख में कोई बच्चा नहीं है, इसने हम सबसे झूठ कहा। हमारी बात पे यकीन नहीं है तो डॉक्टर रीना से पूछ लीजिए। मुझे और मेरे परिवार को माफ कर देना। शायद गलती हमारी होगी कि इतने दिनों में हम आपका विश्वास नहीं जीत पाए। हम इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे हमारे होने वाले बच्चे के साथ। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।